रोज एक कहानी, प्रेरणादायक कहानियाँ, पछतावा। एक मेहनती और ईमानदार नौजवान बहुत पैसे कमाना चाहता था, क्योंकि वो गरीब था और बदहाली में जी रहा था। उसका सपना था कि वो मेहनत करके खूब पैसे कमाए और एक दिन अपने पैसे से एक कार खरीदे। जब भी वो कोई कार देखता तो उसे अपनी कार खरीदने का मन करता। कुछ साल बाद उसकी अच्छी नौकरी लग गई, उसकी शादी भी हो गई और कुछ ही वर्षों में वो एक बेटे का पिता भी बन गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर फिर भी उसे एक दुख सताता था कि उसके पास उसकी अपनी कार नहीं थी। धीरे धीरे उसने पैसे जोड़कर एक कार खरीद ली। कार खरीदने का उसका सपना पूरा हो चुका था और इससे वो बहुत खुश था। वो कार की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था और उससे शान से घूमता था। एक दिन रविवार को वो कार को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम घूम कर कार को साफ होते देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज से खुरच खुरच कर कुछ लिख रहा है। ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतनी जोर से पीटा कि बेटे के हाथ की एक उंगली ही टूट गई। दरअसल वो आदमी अपनी कार को इतना चाहता था कि वो बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर पाया। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो सोचा जाकर देखूं कि कितनी खरोच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखने से पहले या गलत फैसला लेने से पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वो काम किस नियत से किया है। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।